हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यार बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मैं आपका दोस्त शिवम एक बार फिर से हाजिर हूँ रिवोफाई एप्लीकेशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम एक वेब सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं। इसका नाम है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। तो सबसे पहले तो यार हम बात करते हैं इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर की। तो इसके जो डायरेक्टर है वो है हंसल मेहता, और जो इसकी प्रोड्यूसर कंपनी है वो है एप्लॉस कंपनी। ओके, और जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर है वो है सोनी लिव। आपको ये वेब सीरीज सोनी लिव के ऊपर मिल जाएगी, वहां पे जाकर आप इसको देख सकते हैं। और इसमें आपको टोटल टोटल 10 एपिसोड मिलने वाले हैं। यार अब बात करते हैं इसके मेन एक्टर की, लीड एक्टर की। जो हमारे लीड एक्टर है वो है प्रतीक गांधी, जो कि हर्षद मेहता का रोल अदा कर रहे हैं, और जो इनकी एक्टिंग है वो जबरदस्त है, बहुत मस्त है। अब यार बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से मकान से, एक किराए के मकान से, जहाँ पे हर्षद मेहता भी रहता है। लेकिन उसको कोई छोटा आदमी नहीं, उसको बहुत बड़ा आदमी बनना होता है। और यार स्टॉक मार्केट की चकाचौंध को देखकर वो भी वहां पे जाकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने एक इशारे पर पूरी उस मार्केट को हिला कर रख देते हैं और उस मार्केट के बादशाह होते हैं। ओके, तो फिर यार जो अपना अर्षद मेहता होता है वो एक छोटी सी जॉब उसको मिल जाती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही। उसको करते करते वो समझ जाता है कि कैसे सारा काम होता है, कैसे क्या पैसा आता है, और उसके बाद वो अपना खुद का एक धंधा शुरू करता है। तो वो धंधा यार इसका काफी ज्यादा चल जाता है, मतलब बहुत बड़ा। और देखते देखते वो पूरे इंडिया का सबसे मतलब बहुत अमीर आदमी बन जाता है, बहुत ज्यादा अमीर आदमी। ओके, और यार इसमें एक सवाल ये बनता है कि ऐसा वो क्या काम करता है, ऐसा क्या वो आइडिया अपनाता है कि बाकी जो लोग ऑलरेडी बादशाह होते हैं उस मार्केट के, वो उनसे भी ऊपर चला जाता है। ये चीज देखने वाली है। ओके यार, अब अगली बात करते हैं एक और चीज की कि वो ऊंचाई पर तो चढ़ गया था, लेकिन यार जो ऊंचाई पर चढ़ता है वो नीचे भी आता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो यार उसके साथ ऐसा क्या होता है कि वो नीचे आ जाता है, मैं बताता हूँ आपको। यार वो ना एक स्कैम कर देता है, और स्कैम 1-2 करोड़ का नहीं, बहुत बड़ी अमाउंट का होता है, बहुत बड़ी अमाउंट का। आप सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी अमाउंट उस टाइम में। तो यार वो अमाउंट भी हमें सवाल हमारा बनता है कि ऐसी कितनी बड़ी अमाउंट थी, ऐसा क्या उसने स्कैम किया कि उसका जो पूरा मतलब इतना बड़ा एम्पायर था वो एकदम डाउन हो गया, एकदम वो नीचे आता चला गया, सारा पैसा उसका चला गया, और मतलब बहुत सारे केसेस उस पर आ गए, मतलब उसकी लाइफ एकदम खत्म सी हो गई थी। आपको देखने में काफी मजा आएगा। ओके, और जो जो रईस रईस लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो भी उसके कॉम्पिटिशन में आ गए थे, और उन्होंने भी उसके साथ काफी कुछ ऐसा किया था जिससे उसको और प्रॉब्लम्स हो गई थी। ये भी हमारा सवाल बनता है कि उन लोगों ने ऐसा क्या किया। ओके, अब यार एक खास बात करते हैं इस वेब सीरीज के बारे में, जो कि है इसका थीम म्यूजिक। आपने बहुत सारी वेब सीरीज का थीम म्यूजिक सुना होगा, लेकिन इस वेब सीरीज का जो थीम म्यूजिक है ना, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, बहुत मस्त है, बहुत बहुत बढ़िया है। आप जब वेब सीरीज देखोगे तो आपको वो थीम भी सुनने को मिलेगा। अब यार एक और बात करते हैं इसकी रेटिंग की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पूरे इंडिया की नंबर वन वेब सीरीज से कैसे बन गई? कुछ तो इसमें ऐसा होगा ना, राइट? क्योंकि इसमें मिर्जापुर की तरफ गोली गाली बंदूकें ये सब नहीं है, फिर भी ये नंबर वन कैसे बनी? तो ये भी आप इस वेब सीरीज में देखोगे। यार एक बार इसकी बात करते हैं रेटिंग की, तो इसको, जी हाँ दोस्तों, इस वेब सीरीज को 9.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDB पर, जो कि यार काफी बड़ी बात है। और मैं खुद यार इसको 9.5 की रेटिंग दूंगा। जो थोड़ी मैंने लेस कर दिया है वो इस वजह से कि थोड़ा थोड़ा आप वहां पे बोर हो जाओगे, एकदम चुन्ना सा बोर। ऐसा नहीं कि यार 10-15 मिनट के लिए बोर होगे, नहीं, थोड़ा सा बोर आप होने वाले हो कभी कभी, अदरवाइज बहुत बढ़िया वेब सीरीज यार, बहुत मस्त है। सो दैट्स इट, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।